देगरस में बाढ़ पीड़ितों के सर्वे के बाद भी अब तक कई लाभार्थियों तक सहायता निधि नहीं पहुंची है। साथ ही बाढ़ पीड़ित होते हुए भी कई लोगों का नाम सर्वे में शामिल नहीं किए जाने से बाढ़ पीड़ितों में रोष फैला हुआ है। पेशे बाढ़ पीड़ितों के इस पूरे मामले पर देगरस संवाददाता जुबैर खान की यह खास खबर। सोमवार को मोतीनगर के लाभ से वंचित बाढ़ पीड़ितों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं का ब्यौरा ज्ञापन के रूप में तहसील कार्यालय को सौंपा है। इस दौरान मोतीनगर के बाढ़ पीड़ितों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर लाभ से वंचित बाढ़ पीड़ितों ने तत्काल मदद दिलाने की मांग करते हुए लोगों ने तहसील प्रशासन को चेताया कि अगर उनके हक अधिकार के साथ खिलवाड़ किया गया तो वे जल्द ही तहसील कार्यालय के सामने बेमियादी धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारा आज तहसीलदार साहब को हम ये दूसरा निवेदन दे रहे हैं आज की तारीख में 8 तारीख को कि ये भाई इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अगले सोमवार को हम यहाँ पे सब जितने भी जने हैं ये बाल बच्चे सहित लेके यहाँ पे आमरण उपोषण करेंगे तहसील में। इनका सर्वे करके पंचनामा करके शासन ने इनको तत्काल मदद करने को ना शासन ने इनके वास्ते आज अपने जो अर्ज दिए इसमें पंचनामा करके इनका बयान लेके इनके घर की फोटो लेके और जियो टैग करके लियो और इनका ओरिजिनल जो सर्वे में इनका नाम जो वगड़े इनका नाम कौन से कारण से वगड़े क्या वगड़े इनको अर्जेंट इनको तत्काल मदद होना। इनको शासन ने जो 10 किलो गेहूं 10 किलो चावल वो दिए वो मदद मिलनी चाहिए। 5000 जो डिक्लेयर करे 5000 की जगह 10000 डिक्लेयर करे हुए वो 10000 की मदद मिलनी चाहिए। आज इनकी बहुत परेशान हालत है। कोई सामाजिक संस्था कोई गाँव की कोई संस्था कोई मदद को आ रही नहीं। बोलने का मकसद यह है कि ये जो लोग बचे हुए हमारे हम तहसील में दूसरी बार आज निवेदन दिए। ये दूसरी बार निवेदन देने के बाद हमारा एकच मकसद है कि इन लोगों को इनका हक मिलना चाहिए। ये लोग ओरिजिनल पूर्व पीढ़ी वाले हैं पूर्व पीड़ित है और ये पूर्णता में है ये अंशता में डाले गए और अंशता में डालने वाले जो कर्मचारी है जिन्होंने सर्वे कराया नगर परिषद के 2 कर्मचारी थे और तहसील के 2 कर्मचारी थे ये चारों कर्मचारियों को हमारे पास लाना चाहिए। तहसीलदार साहब ने उनको बोलना चाहिए इनकी चौकसी करना चाहिए कि भाई ये जो ओरिजिनल लोग है ये ओरिजिनल लोग अंशता में क्यों गए पूर्णता में क्यों नहीं है जो बोगस लोग है वो पूर्णता में इनको अंशता में डालिए जो ओरिजिनल लोग है। हमारा इतना ही बोलना है कि जो लोग ओरिजिनल है बिचारी है इनको इनका हक मिलना चाहिए। हमने और ओरिजिनल जो है लोग पानी में जो है उनका हक उनको मिला जाए और शासन से मेरी इतनी कहना विनती है तो ओरिजिनल लोग जो है जिसके घर पानी में टोटल थे और इतने पत्रे दिख रहे थे सिर्फ वो लोगों के घर रह गए छूट गए और ये साजिश के जानबूझ के घर छोड़ा गया उसकी चौकसी डबल से करके इनका न्याय दो। ये लोगों ने सामने वाले लोगों के संगत में बैठ के मस्त आधे आधे पैसे लेके चाय पानी पिए सब एक जगह बैठे और ये लोगों के नाम उन्होंने एक साजिश के तहत ये पूरे नाम उसमें के उन्होंने कम करे और जो ओरिजिनल जो लोग हैं पीछे हमारे खड़े में ये लोगों के 90% 100% पूरे घर पानी में डूबे हुए थे। मोतीनगर के बाढ़ग्रस्तों की मांग के साथ ही हिंदनगर में भी यही स्थिति है। जिन लोगों के घर को बाढ़ के पानी ने छुआ तक नहीं उन्हें भी चेक जारी हो रहे हैं जबकि जो असल मायनों में लाभार्थी है वे न्याय के लिए तरस रहे हैं। राजकारण करो माझ्या सोबत 15 ते 20-30 लोकांचे नाव यादीमध्ये आलेले नाही पहिल्या यादीमध्ये। मला सरकारकडून एवढीच खात्री पाहिजे की आमच्यावर जे अन्याय झालेला आहे आमच्या घरामध्ये पाणी आहे माझ्याकडे त्याचे पूर्ण व्हिडिओ आहे। माझ्या एटाळमध्ये हिंदनगरमध्ये ज्यांच्या घरामध्ये पाणीचा एक थेंब भी नाही गेला अशा लोकांनी राजकारणी लोकांनी 4-4 चेक घेतलेले आहे त्यांची चौकशी व्हायला पाहिजे आणि त्या सर्वे करणाऱ्या अधिकारीवर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे आणि आम्हाला हिंदनगरवासियाला न्याय भेटला पाहिजे एवढीच अपेक्षा आहे। मोतीनगर के बाढ़ पीड़ितों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है लेकिन पुख्ता आश्वासन देने के बजाय तहसील प्रशासन उनके साथ केवल औपचारिकता निभा रहा है। यही वजह है कि उनके मन में तहसील प्रशासन को लेकर असुरक्षा की भावना घर कर रही है। 22 जुलाई शनिवार को दिग्रस शहर में एक आफत आई थी जो बाढ़ के रूप में थी और इस बाढ़ में खास तौर से चमनपुरा हिंदनगर और मोतीनगर और संभाजी नगर में जो रहने वाले लोग हैं जो नदी किनारे के सटे हुए एरिया से रहते हैं उनका बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। इसके बाद तहसील प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन ने बाकायदा सर्वे कराया लेकिन वो सर्वे बड़े पैमाने पर दोषपूर्ण निकला ऐसा ये बाढ़ पीड़ितों का आरोप है। हाल ही में मोतीनगर में चेकों का वितरण हुआ है जो धनादेश जो सरकार की तरफ से जारी हुआ है उसका
वहाँ पे वितरण हुआ है, लेकिन उसको लेकर भी लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जो भी सहायता निधि थी इन तक नहीं पहुंची। और इस बात को लेकर इन्होंने इसके पहले भी ज्ञापन यहाँ पे तहसील प्रशासन को सौंपा था, और आज भी ये लोग अपनी फरियाद लेकर तहसील प्रशासन को यहाँ पे फरियाद लगाने आए हैं। अब मामला ये है कि इन लोगों को लगता है कि जो अपना प्रशासन है वो जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को दूर करे और इन्हें इंसाफ दिलाए, वरना आने वाले दिनों में ये यहाँ पर तहसील प्रशासन के सामने आमरण उपोषण का और अनशन का इन्होंने एक तरह से चेतावनी दी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में स्थानीय प्रशासन, तहसील प्रशासन इस बात को कितनी गंभीरता से लेता है। NBC न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान।